आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी प्याज के पराठे जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अगर मेरे प्याज के पराठे बनाने की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्याज के पराठे बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी आटा, आधी कटोरी से कम बेसन। अब एक परात लेंगे, उसमें आटा, बेसन, एक छोटी चम्मच अजवाइन, दो चम्मच घी। इससे क्या होता है, आटा मुलायम होता है और पराठे भी बहुत मुलायम बनते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम आटे को गूंदेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंदूंगी। ये आटा मैं गूंद रही हूँ और आप आटा गूंदने के बाद 1 से 2 घंटे तक रख दें इसको ढककर। जिससे पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। या तो आप फ्रिज में रख सकते हैं या ऐसे ही एक कपड़े से ढककर रख सकते हो। आटा गूंद कर तैयार हो गया है। आप आटे को ना तो ज़्यादा सख्त गूंदें और ना ज़्यादा नरम, मीडियम ही रखें। जैसे आप रोटियां बनाते हो वैसा आटा रखो। आटा तैयार हो गया है, अब मैं इसको 1 घंटे के लिए ढककर रख दूंगी। अब तैयार करते हैं हम प्याज की फिलिंग। पहले एक कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, थोड़ी सी हींग, 2 कटी हुई हरी मिर्च। प्याज के पराठे बनाने के लिए मैंने 2 बड़ी प्याज ली हुई थी, इन्हें काट लिया था मैंने। अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे, बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसका। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही भूनना है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें डालते हैं मसाले। पहले डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। अब इसको थोड़ा सा और भून लेंगे, बस कम से कम 1 मिनट। फिलिंग तैयार हो गई है। लास्ट में डालते हैं कटा हुआ हरा धनिया। जो आटा गूंदा था मैंने उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं और इसमें मैंने नमक भी मिलाया था, मैं पहले बोलना भूल गई थी। सूखे आटे की सहायता से अब आप इसको थोड़ा सा बेल लें। बस इतना ही बेलें। बेलने के बाद इसको ऐसे हाथ में लें और जो हमने फिलिंग तैयार की है इसमें डालें। ये फिलिंग मैंने डाल दी है और फिलिंग डालने के बाद इसको धीरे धीरे बंद करें, कॉर्नर पकड़ पकड़ कर। ये ऐसे धीरे धीरे पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब इसको सूखे आटे की सहायता से
हम बेलेंगे। ये बेलना स्टार्ट कर दिया है। पराठा पूरी तरीके से बिल के तैयार हो गया है। अब इस पराठे को मैं गरम तवे पे डाल दूंगी। ये सिक चुका है एक साइड से, अब इसको बदल दूंगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके तेल डाल दूंगी, आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आप पराठे को धीमी आंच पर ही सेकें। इसमें थोड़ा सा घी और डाल दूंगी। पराठा सेककर पूरी तरीके से तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं सारे पराठे सेक लूंगी एक के बाद एक। मैंने दूसरा पराठा भी डाल दिया है और इसमें ये दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया है। मेरे प्याज के पराठे तैयार हो गए हैं और मैंने प्लेटिंग भी कर ली है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो अपने घर पर प्याज के पराठे जरूर बनाइए और